अरे नहीं गाइस यार, ये क्या, ये मैं कहाँ पे आ गया। मैं तो अपने शिनचैन चॉप को ढूंढ रहा था क्योंकि उन्हें कांटेदार मोशन उठा के ले गया और मेरी तो पीठ ही टूट गई। लेकिन गाइस यार एक सेकंड, ये मैं कहाँ पे आ गया और तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे तो पानी बहता हुआ आ रहा है। गाइस एक काम करते हैं, इस वाले पानी का पीछा करते हैं, क्या पता हमें अपने शिनचैन और चॉप मिल जाए। शिनचैन चॉप मैं आ रहा हूँ मेरे भाइयों। गाइस मुझे यहाँ पे बड़ी अजीब अजीब सी आवाज आ रही है और एक सेकंड गाइस यार ये क्या है, यहाँ पे तो तीन तीन पैंथर है और उसके ऊपर एक बाबा जी बैठ रखे हैं। अरे ये क्या, किस पागल ने मेरी शांति को भंग कर दिया, उसे मैं जिंदा भस्म कर दूंगा। अरे बाबा मुझे माफ कर दो लेकिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अरे बेटा मुझे सब पता है, बस इतना बताओ कि वो मोशर दिखने में कैसा था। अरे ये क्या, वो तो डीमन मोशर है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे बाबा लेकिन अब मैं क्या करूँ क्योंकि मेरे शिनचैन और चॉप तो उसी के पास है। लेकिन बेटा तुम टेंशन ना लो, उस मोशर को मैंने बहुत बार मारा है और इस बार उसे तुम मारोगे क्योंकि मैं अपनी सारी पावर तुम्हें देने वाला हूँ। अरे बाबा जी पागल समझाए क्या, आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा वरना आपको दादी की कसम। और गाइस यार इसी के साथ हम लोग अपनी कार के अंदर बैठ चुके हैं। लेकिन बाबा ये तो बताओ हमें वो मोशर कहाँ पे मिलेगा। अरे बेटा मेरी पावर के हिसाब से वो डीमन मोशर हमें काली पहाड़ी के पीछे मिलेगा। अरे गाइस यार काली पहाड़ी के पीछे तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अरे हाँ एक काम करते हैं, अपन लोग अपने साथ माइकल को भी लेके चलते हैं ना, क्योंकि गाइजर अपना माइकल अलग ही लेवल का जिगरे वाला बंदा है। तो गाइजर एक काम करते हैं, अपन लोग जल्दी से अपने माइकल के घर पे चलते हैं। और गाइज यार वो देखो फाइनली अपन लोग माइकल के घर पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन एक सेकंड गाइज यार, ये अपने माइकल के घर पे चल क्या रहा है, लगता है कि अपने माइकल के घर पे कुछ हुआ है। गाइज हमें कैसे भी करके अपने माइकल के घर पे जाना पड़ेगा। माइकल माइकल मेरे भाई कहाँ पे गया तू, और ये क्या गाइस ये अपने माइकल को क्या हो गया, यहाँ पे ये रो क्यों रहा है और यहाँ पे तो ट्रेवर भी आ रखा है। और गाइस तुम लोग देख रहे हो उसके पूरे घर में खून ही खून है, लगता है कि अपने माइकल के घर में कुछ हुआ है, हमें जल्दी से इनसे बात करनी पड़ेगी। अरे नहीं गाइस यार ये क्या, अपने माइकल के साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि जिस डीमन मोशर ने अपने शिनचैन और चॉप को उठाया था उसी डीमन मोशर ने अपने माइकल की फैमिली को भी उठा लिया और जो काम करने वाली बाई थी उसको तो उसने बीच में से फायर डाला। और गाइस यार इसलिए अपने माइकल ट्रेवल और दादा को ज्यादा गुस्से में है, लगता है कि ये उस मोशर को नहीं छोड़ने वाले। और गाइस यार ये देखो इसी के साथ अपने पैंथर के ऊपर कुछ बिजली सी आ रही है, लगता है कि ये सारे पैंथर भी कुछ ज्यादा गुस्से में है। तो एक काम करो सारे के सारे जल्दी मेरे पीछे आओ, हमें अभी की अभी शिनचैन चॉप के पास जाना पड़ेगा ताकि हम साथ में अपने माइकल की फैमिली को भी बचा ले। लेकिन बाबा ये तो बताओ अभी वो डीमन मोशर कहाँ पे है। अरे बेटा मैंने बताया तो तुम्हें कैसे भी करके काली पहाड़ी के पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बाबा, तो गाइस एक काम करते हैं अपन लोग जल्दी से काली पहाड़ी के पीछे चलते हैं। तो इसी के साथ ये सारे निकल जाते हैं काली पहाड़ी के पास ताकि ये मिलके अपने शिनचैन चॉप और माइकल की फैमिली को बचा सके। लेकिन ये सारे इस बात से अनजान है कि वो डीमन मोशर कितना ज्यादा खतरनाक है। और गाइस यार इसी के साथ अपन लोग पहुंच चुके हैं काली पहाड़ी के पास। और गाइस यार तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे वेदर कितना ज्यादा खराब हो रहा है, लगता है कि उस डीमन मोशर को पता चल चुका है कि हम सारे उसे मारने के लिए आ गए। अरे नहीं गाइस, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सारे मिलके बोल रहे हैं कि मैं अकेले ऊपर उन सभी को बचाने जाऊं और इसलिए बाबा ने मुझे अपनी सारी पावर्स दे दी ताकि मैं उस डीमन मोशर को जान से मार दूं। तो गाइस यार एक काम करते हैं, अब जल्दी से अपन लोग डीमन मोशर के पास चलते हैं। और गाइस यार तुम लोग देख रहे हो बाबा ने मुझे अपनी सारी पावर दे दी, तो एक काम करते हैं अब जल्दी से अपन लोग काली पहाड़ी के पास चलते हैं। तो चलो गाइस यार फाइनली अपन लोग उस वाली पहाड़ी पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें बाबा ने कहा था। और गाइस यार शायद से अपना शिनचैन और चॉप इसी वाली पहाड़ी पे होंगे। लेकिन गाइस यार मुझे एक बात का डर है, बस वो डेविल अपने शिनचैन और चॉप को कुछ करना दे। और गाइस यार तुम लोग देख रहे हो इस वाली पहाड़ी पे मौसम कैसा हो रहा है, लगता है कि वो डेविल इसी वाली पहाड़ी पे रहता होगा। और गाइस यार इसी के साथ अपन लोग इस वाली पहाड़ी पे आ चुके हैं। और एक सेकंड गाइस यार यहाँ से तो बहुत तेज रोशनी आ रही है, लगता है कि अपने शिनचैन और चॉप इसी के अंदर होंगे। अरे फैल्कन भाई कहाँ गई यार, जल्दी से हमें आके बचा लो ना। अरे गाइस यार ये क्या, ये तो शिनचैन और चॉप की आवाज। और एक सेकंड
गाइस यार अपने शिनचैन चोप तो ये दे, और वो डेविल मोशर वो खड़ा। अरे गाइस यार ये क्या, ये तो मेरे पीछे भागते हुए आ रहा है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड गाइस यार मैं भाग क्यों रहा हूँ, मुझे तो बाबा ने अपनी पावर दी है ना, इसकी भैंस की आग तो रुक। और गाइस यार ये देखो, ये मोशर तो मेरे ऊपर हमला कर रहा है, इसकी तो कहाँ जाएगा भाग के, ये ले। गाइस यार इस वाले मोशर ने अपने शिनचैन और चोप को बहुत मारा था, इस डेविल मोशर को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इसी के साथ अपने फ्रेंड के अंदर बहुत सारी पावर आ चुकी है। अरे गाइस यार ये देखो, मुझे अभी भी मारे जा रहा है, अब तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और गाइस यार इसी के साथ अपने फ्रैंकलिन ने इस डेविल मोशर को जान से मार दिया। अरे गाइस यार एक काम करता हूँ, जल्दी से अपने शिनचैन और चोप के पास चलता हूँ। अरे फैल्किन भाई कहाँ जा रहे हो यार, हम तो ये खड़े। अबे शिनचैन और चोप तुम दोनों ठीक तो हो ना, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया यार, और आपके अंदर सुपर पावर कहाँ से आई। अबे शिनचैन ये बहुत लंबी कहानी है यार, तुझे घर जाके बताऊंगा। अब ये बता तुझे अपनी ऑडियंस से कुछ बोलना है क्या। अरे हाँ फैल्किन भाई, तो गाइस अगर आपको आज वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।